हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिमाज लाइफ और मैं हूँ अनिमा। तो चले करते हैं एक और नए सफ़र की शुरुआत और मैं हूँ अभी झांसी बस स्टैंड पे। और एक्चुअली मैं रेलवे स्टेशन का दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं रात को आई थी तो बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, मतलब 12-1 बज गया था, तो फिर मैंने कोई शॉट नहीं लिया वहाँ का। तो फिलहाल मैं अभी झांसी बस स्टैंड पे हूँ और यहाँ से हम जा रहे हैं बागेश्वर धाम। बालाजी जय हो, जय हो। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ बागेश्वर धाम बालाजी और यहाँ हम वेट कर रहे हैं छतरपुर बस का, जो कि यहीं पास में ही लगेगी आकर के। तो चलिए जैसा भी होता है हम आगे दिखाते हैं और सारी की सारी अपडेट देते हैं, तो इसलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मैं आ चुकी हूँ मेरी बस के सामने, मतलब ये वाली बस जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाली बस जाएगी। और अभी सुबह का बज रहा है 9:04 हुआ है अभी और मौसम तो एज़ यूज़ुअल बहुत ही अच्छा है, मतलब उमस नहीं है, बस हाँ ठीक है, बादल है, गर्मी है हल्की सी। तो और ये देखिए बसेस वगैरह आ रही हैं सारी की सारी उधर से, और सुबह का टाइम है, बस लेगी यहाँ से लगभग 3 से 4 घंटे, जो कि 1 बजे पहुँचाएगी। तो मैं कुछ खावा लेती हूँ और उसके बाद में फिर मिलते हैं आप लोगों को सीधा बस में। और जैसी जो भी जर्नी होती है मैं दिखाती हूँ। यहाँ सच में यार ये लोग बहुत परेशान करते हैं, पता है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम आप लोगों से। तो आ चुकी हूँ मैं अभी बस के अंदर और मैंने ना केबिन वाली सीट ली हुई है ताकि मुझे सामने का भी दिखता रहेगा और मैं वीडियो भी बना पाऊँगी। और मैं खाने के लिए ना चाट वाट लेकर के आई हूँ ताकि मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैंने सोचा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सफोकेशन वाली गर्मी है, मतलब ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ से बस जाती है, ये देखिए लिखा हुआ है झांसी, दतिया, ग्वालियर, पन्ना, रीवा, सतना, ये वाले जो रूट है ना उस वाले रूट की बस जाती है। तो हमें जाना है छतरपुर, तो हम छतरपुर में उतर जाएंगे और उसके बाद में जैसा जो भी होता है, जो भी जानकारी होती है, तो फिर बने रहिए आप लोग वीडियो पे हमारे, तो वो जानकारी देते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और जो लोग बागेश्वर धाम या फिर बालाजी के भक्त हैं वो लोग वीडियो को जरूर लाइक करना, मतलब बिना लाइक किए मत जाना वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अब हम बस चलने के साथ में। तो पहुंच चुकी हूँ मैं छतरपुर बस स्टैंड और अब यहाँ से हम लेंगे ऑटो। तो यहाँ से मिलते हैं ऑटो इस तरह के और ये लोग बोलते रहते हैं बागेश्वर धाम बसेस भी जाती हैं, जो कि मतलब थोड़ा सा पहले छोड़ती हैं लेकिन ये ऑटो मंदिर पे छोड़ते हैं। तो चलिए ऑटो में बैठ जाते हैं चल करके बागेश्वर धाम के लिए और उसके बाद में देखते हैं कि वो कहाँ पे हमको छोड़ती है। तो चलिए पहले हम, आज ना बारिश यहाँ मतलब हो ही रही लगभग, ऐसे रास्ते में बहुत बारिश हुई थी, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, लेकिन अभी तो बंद है पर हाँ गीला बहुत ज्यादा है। चलिए ऑटो में बैठ जाते हैं, जैसा भी होता है बताते हैं आप लोगों को। तो ये है छतरपुर बस स्टैंड और छतरपुर बस स्टैंड से ऑटो बस सब कुछ मिलता है और बहुत सारे लोग हैं। देखो हम सब लोग जा रहे हैं बागेश्वर। अम्मा आप कहाँ जा रही हो? हम बागेश्वर जा रहे हैं। अम्मा भी बागेश्वर धाम जा रही हैं और मैं भी बागेश्वर धाम जा रही हूँ। तो जैसा भी होता है वहाँ क्या कैसे पहुँचते हैं, मंदिर कितनी दूर है, दिखाते हैं सारा कुछ फिर आप लोगों को। तो हम पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार, मतलब यहाँ पे हमको ऑटो ने उतारा है और छतरपुर बस स्टैंड से ये लगभग ना 30 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पे आप ये देखिए इस तरह का ये हाल है, लेकिन इतनी श्रद्धा है लोगों में ना कि रास्ते में मुझे पैदल दर्शनार्थी मिले, जो सच में ना दंडवत बोलते हैं, इस तरह से लेट के बैठ के ऐसे वो दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहे थे
तो चलिए चलते हैं फिलहाल मंदिर की तरफ और मंदिर दिखाते हैं हम आप लोगों को। रास्ता ना बहुत ज़्यादा ख़राब है तो बारिश की वजह से और वैसे भी। जय बागेश्वर धाम की। पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम मंदिर। ये देखिए कितने सारे नारियल बंधे हुए हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भी पास से। और ये देखिए झंडा वगैरह लोग चढ़ाने आते हैं इस तरह से। ये देखिए ये है बागेश्वर धाम सरकार का गेट और बहुत भीड़ होती है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। और हम ना मतलब अपना बैग वैग रख करके आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं परिक्रमा करने। मंदिर की पूरी परिक्रमा होती है, 21 परिक्रमा होती है। परिक्रमा करके आएंगे और फिर उसके बाद में हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने प्रसाद लेकर के। तो अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं और मुझे एक बहुत ही प्यारी सी अम्मा जी मिल गई। मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये सारे इस तरह से जो अर्जी के नारियल होते हैं ना, सब लोग इस तरह से नारियल आके बांध देते हैं और यहाँ पे अपना अपना नारियल बांध लो, यहीं से अर्जी स्वीकार हो जाती है बाबा की। अम्मा कितनी परिक्रमा लगानी है? 21 तो लगाने हो गए? नहीं, 21 परिक्रमा लगाई जाती है ना, हमने उसमें सुना था। पाँच अच्छा 5-3 और 2 ऊपर। अच्छा तो हम अभी लगा रहे हैं परिक्रमा। अभी ये 5 ही 5 देने हैं। हाँ, 5 ही 5 देने। अच्छा, जैसे नारियल बांधने हो जो वालों तो पता ही ऊपर बांधे हो, तो नारियल हमें ऊपर ऊपर बांधने हैं। और हम अभी इधर से परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये देखिए ये है मंदिर बाबा का और इस तरह के ये बंधे हुए हैं नारियल और मेरी अम्मा बेचारी इंतज़ार कर रही हैं। ये देखिए यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं और ये जिग जैग इस तरह से लगा रखा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है ना। ये देखिए और कल तो है मंगलवार, मतलब आज है डेट। और ये देखिए इतने ज़्यादा पसीने क्योंकि ना मतलब परिक्रमा किया था ना मैंने इसलिए। और आज है 29 तारीख। जय बाबा की। तो प्रणाम कर लूँ मैं भी। तो आज है 29 तारीख, 29th अगस्त। तो आज सोमवार का दिन है। तो आज मैं ये सब ना जिस तरह से मंगलवार को बहुत भीड़ होती है ना, तो आज मतलब मैं आई हूँ दर्शन करने। तो मंगलवार कल है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो चलिए अब दिखाते हैं हम आप लोगों को थोड़ा देर से। मैं भी प्रणाम करती हुई चलूँ तब तक। ये देखिए चिंता किस बात की, जय बोलो बागेश्वर सरकार। ये देखिए बागेश्वर धाम सरकार की जय। खोला बेटा जरा, खोला बाप, खोला बेटे बंद कर। तो मेरे दर्शन तो हो गए हैं बाबा के और मैंने हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लिया। यहाँ का जैसा नियम है कि 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और फिर अगर मन करे तो सुंदरकांड का भी पाठ कर लो।
तो मैंने वो सारा कुछ कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ नीचे, मतलब ये बस सीढ़ियाँ उतर करके गेट पे, और वहाँ से अब देखते हैं रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था क्या कैसी, क्योंकि आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो एज यूजुअल रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी जरूर लिखिएगा। तो जय बाबा की।